इट्स जेट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और इसी के साथ आज के व्लॉग पे करते हैं आप सबका वेलकम। मौसम वाले बोल रहे थे 11-12 बजे बारिश हो गई, और अब देखो शाम होने को आया और बारिश अभी तक हुई नहीं है यार। बादल तक नहीं आए तो बारिश ने कहाँ होना है। बादल आना तो शुरू हो गए हैं, शायद रात तक बारिश होने लग जाए। हेलो भैया, जो हमारे काले दिल वाला का जो अंगूर था यार, उसकी एक अपडेट देता हूँ। अभी उसके जो पुराने पत्ते थे वो हो गए हैं ख़त्म, और इन्हें निकाल देता हूँ बाहर। जो मैं 3-4 दिनों से सोच रहा था ना यार, ये पुराने पत्ते इनका क्या होता है, जैसे जैसे ये पौधा ये दरख्त बनता जाएगा तो जो पुराने पत्ते होंगे वो गिरते जाएंगे। वो जो मेरी थ्योरी थी, जो भी कहेंगे उससे, वो सच हुई है। अब ये देख रहे हैं ना, ये वाला पत्ता, ये वो वाला पत्ता है जो 4-5 दिन पहले आपको मैंने दिखाया था कि पॉकेट से बाहर निकल रहा है, और अब देखो यार ये 4-5 दिनों बाद कितना बड़ा हो गया है। और अभी छोटे मोटे और भी पत्ते से निकल रहे हैं, और ये इंशाल्लाह ये 1-1.5 महीने के अंदर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसी के साथ जो सफ़ेद दिल वालों का जो पौधा था उसका मैं आपको एक अपडेट देता हूँ, उसके साथ क्या हुआ है। उसके जनाब अभी पत्ते पीले हो रहे हैं, इसके बाद ये गिर जाएंगे दोनों, ये राइट और लेफ्ट वाला, तो फिर उसके साथ कोई और भी नए नए निकलेंगे। और ये देखो भाई, ये उस दिन वाला है जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये अभी निकलना शुरू हुआ बड टाइप, और आप देखो कितना बड़ा हो गया, और ये कितना मुलायम सा लग रहा है वैसे। और इस भाई साहब का आज भी स्प्रे लाना भूल गया हूँ, देखते यार मुझे याद नहीं देती चीज़ें। ये वैसे पिंक पत्तों वाली आपको बिल याद भी होगी, और इसके भी छोटे छोटे से टहनियाँ निकली हैं, और उसके बाद उस पर भी पत्ते आ गए हैं, ये भी कमाल हो गया। वैसे यार मुझे काफ़ी दुख है, जो इसके ऊपर से नींबू था वो हो गया भाई, वो दूसरा रह गया। मेरे ख्याल से ये भी नहीं बचेगा, शायद बच जाए, क्या पता हमें इस दफ़ा इसके नींबू हमें नसीब हो जाए। मुझे लगता तो नहीं है वैसे, अब चांसेस वैसे बहुत कम हो गई हैं। और इस भाई साहब का तो आपने देखा होगा, डे 1 पे कितना छोटा सा था, और आज ये इतना है जितना ये फर्स्ट डे पे था, यानी खुद ही देख लो कितना इसका डिफरेंस आ गया, देख रहे हो। और इस भाई साहब के छोटे छोटे पत्ते भी निकल रहे हैं, और फुल जूम किया हुआ है यार इस टाइम पे। मैं क्या चाहता हूँ ये इस तरह हो, और इस तरह गोल से ना वो एक छतरी टाइप बन जाए, और इस पर नींबू लगे करें। और इस टाइम में पौधों को अगर हम पानी दे देते हैं, क्योंकि यार गर्मियाँ बहुत आ गई हैं। यार आप बताएं आपकी सिटी में कितना टेम्परेचर जा रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से जा रहा है 45 तक, तो जा रहा है 42 है, और गूगल कह रहा है 45 फील होगा, लेकिन यहाँ पे तो भाई फ्राई हो जाना सारा। चलो चलो नहा लो, तुम्हारा नहाने का टाइम हो गया है, तुम भी नहा लो, तुम भी नहा लो, सब नहा लो, सब नहा लो। इधर भी पानी लगा देते हैं, क्या पता कोई बंदा दवाई दे दे। सारों को पानी दे दिया है जी, सही लगता है यार पानी लगाना, चाहे ज़बरदस्त रहता है अगर लगा देना बंदा, करंट ही ना लग जाए। मुझे पिछले बार मुझे यहाँ से करंट लगा था। इंजॉय कर शहजादे। तो यार एक्सबुक वाले बंदे ने कहा कि यार एक्सबुक चेक करके बताओ कि जे टैग गया कि नहीं। यार मैं तो सही तो किसी का पता ही लगता, मैं यूट्यूब पे सर्च वगैरह की है, तो अब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या पता ओला करके हो। था यार तो मैंने सुबह ही उतार कर रख दिया था, और ये अपनी एलईडी बंद कर दी थी, अब इसको दोबारा लगाते हैं। यहाँ से ऑन करते हैं, पावर तो आ गई है, अब इसको ऑन यहाँ से करना है। ये इट्स जे टैग, हुरे। अब बायर भाई ने भाई यही कहा था कि जे टैग वर्जन चाहिए, और कुछ किस्मत से भाई अपने पास जे टैग ही वर्जन है। अब पैसा पैसा आपके रेज हुए हैं भाई। तो यार मैं सोच रहा हूँ बाजार जाऊँ तो कुछ खाने पीने के लिए लेके आया, मेरे वैसे बड़ा दिल कर रहा था, तो अब चलते हैं यार। ऊपर से मोबाइल की बैटरी भी अब होने वाली डेड, 10-12% रहेगी, और चलते हैं यार। एक तो मोबाइल क्या टॉर्च भी नहीं चल रही है, क्या करे बंदा। चलो ये जो है ये तो नज़र आ रही है, गर्मी बहुत हो रही है। हेडलाइट गुड, इस टाइम ये दरख्त क्या अच्छे लगते हैं ना, या इन पे रोशनी पड़ रही हो, सुबह भी अच्छा लग रहा था, लेकिन इस टाइम ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। क्या आप लोग ये बताओ कि आप दिन वाले इंसान हो कि रात वाले इंसान हो। मेरा मतलब कि आप दिन को जागना पसंद करते हो कि रात को जागना पसंद करते हो। पहले तो मैं था रात को जागने वाला बंदा, लेकिन आहिस्ता 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 मैं अब दिन को जागने वाला बंदा हो गया, लेकिन मुझे नाइट लाइफ बहुत पसंद है। आपको कौन सी लाइफ पसंद है, नाइट लाइफ के डे लाइफ? नाइट लाइफ यार सुकून की होती है, सुकून एकदम, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, और सुबह के टाइम तो इतने पसीने आके बंदा मर जाता है। जब मैं पसीने में था हम भी इस तरह जाते थे ट्यूशन पढ़ने, बड़ा टाइम याद आता है यार। चलो चले
जबरदस्त जगह, ऐसी जगह होनी चाहिए घरों के पास आस पास, जहाँ पे भी हो ना बंदा अपना घर बनाए तो कूलिंग रहती है यार, गर्माइश इतनी फील नहीं होती जितनी कि आजकल है, क्योंकि हम लोग सब्जे को ख़त्म कर रहे हैं और उसी जगह पे घर बना रहे हैं। दैट्स व्हाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। लास्ट टाइम इनका मैंने शवारमा खाया था यार, तो वो मुझे अच्छा लगा, ये जगह कोई बंदा ट्राई कर सकता है। ब्रेड निकालते हैं और इंस्टॉल क्या आप कर लेते हैं, थोड़ी सी तो देते हैं ये लोग, ज़्यादा सही देनी चाहिए ना इनको, पता जो सामान इतना सारा दिया तो इसके साथ ब्रेड भी तो ज़्यादा लगती है। मिर्च आ गई, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये और थोड़ी सी मायनीस। मैं तकरीबन पता नहीं कितने अरसे बाद मायनीस खा रहा हूँ, पता है 2 महीने बाद जाकर मायनीस खा रहा हूँ मैं। सही है, मुझे बेहतर लगा, बाकी से ज़्यादा बेहतर ये लगा मुझे। खाया तो जा रहा है, मतलब वो तो खाया भी नहीं जाते, पता नहीं क्या कच्चा गोश्त डाल देते हैं इन्होंने, कम से कम पकाया तो हुआ है और मज़े का। वैसे असल में मुझे पसंद है सिरके वाला सैलड, लेकिन अब सिरका नहीं डाला मेरे ख्याल से, शायद नीचे कहीं पर हो मिल जाए बाद में, लेकिन वैसे सही है। A1 दोस्तों अपना ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। और हाँ, मैंने पिछले 2 दिनों से अच्छा ब्लॉग डाला है ना आज, हाँ इसलिए तो आप लाइक बनता है और चैनल के साथ में एक सब्सक्राइब बनता है, लाभ ही बनता है। कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट करो और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को यार वीडियो भेजो, को यार मुफ्त में सब्सक्राइब कर लें, 1 रुपया भी नहीं लेना भाई। और दुआ करो यार इसके साथ मेरा एक्सबॉक्स बिक जाए और मेरे पास थोड़े बहुत पैसे पैसे आ रहे हैं। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।